नमस्ते मैं हूं देविका देखते हैं खेल की दुनिया का मुख्य समाचार खेल पुरस्कारों का हुआ ऐलान अजंता शरत कमल को खेल रत्न 20 नवंबर से चढ़ेगा फुटबॉल का फीवर 32 टीम के बीच होगी वर्ल्ड चैंपियन बनने की लड़ाई इंग्लैंड ने दर्ज की शानदार जीत और कब्जा किया टी विश्व कप दो केरला में होंगे खेलो इंडिया जूनियर वुमेन्स स्विमिंग सीरीज दो और अब देखते हैं समाचार विस्तार से साल 2022 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है इसी खड़ी में टेबल टेनिस खिलाड़ी अजंता शरत कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार के लिए भी 25 खिलाड़ियों को चुना गया है 30 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी अजंत शरत कमल को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 हजार समारोह के दौरान उन्हें ये अवार्ड सम्मानित किया जाएगा अजन शरद कमल टेबल टेनिस में एक बड़ा नाम है और वह राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदकों की झड़ी कुल सात गोल्ड मेडल लगा चुके हैं इसके साथ ही सात कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया है अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया इस लिस्ट में केरल से बैडमिंटन खिलाड़ी एच एस प्रणय और धावक एल पॉल का नाम भी शामिल है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी खिलाड़ियों और कोचों को अवार्ड प्रदान करेंगी 28 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीम चैंपियन बनने की जड़ोजाहत करेंगे इस दौरान कुल 64 मैच खेले जाएंगे ग्रुप स्टेज के मुकाबले 20 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच खेले जाएंगे जबकि नॉकआउट मैच तीन से 18 दिसंबर के बीच होंगे हर ग्रुप में टॉप दो पर रहने वाली टीम अंतिम 16 में आगे बढ़ेंगे 16 में से आठ टीम क्वार्टर फाइनल में जाएंगी और फिर इसमें से चार टीम सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगी 14 और 15 दिसंबर को सेमीफाइनल मुकाबले होंगे जबकि 18 दिसंबर को फीफा वर्ल्ड कप 2022 फाइनल उसेल उस स्टेडियम में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया में हुए टी वर्ल्ड कप के समापन के बाद अब खेल प्रेमियों पर जल्द ही फुटबॉल का खुमार चढ़ने वाला है दरअसल 20 नवंबर से खतर में फीफा वर्ल्ड कप के 22वें संस्करण का आगाज होने जा रहा है जो अठारह दिसम्बर तक चलेगा फीफा वर्ल्ड कप पहली बार किसी अरब देश में खेला जा रहा है हमेशा की तरह इस बार भी भारत के बिना ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा क्योंकि टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी एक महीने का जोरदार और रोमांच का सफर अब थम गया है। ऑस्ट्रेलिया में हुए T20 विश्व कप 2022 अपने अंजाम को पहुंच गया और एक नया विश्व चैंपियन या कहें एक पूर्व विश्व चैंपियन ने फिर से किताब पर अपना कब्जा कर लिया मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर रविवार 13 नवंबर को हुए फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हरा कर दूसरी बार इंग्लैंड ने टी वर्ल्ड कप 2022 का किताब जीत लिया है मेलबोर्न में खेले गए फाइनल मुकाबलों में इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान को पांच विकेट से परास्त किया पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जीत के लिए 138 रनों का टारगेट दिया था जिससे बटलर ब्रिगेड ने 6 गेंदों बाकी रहते हासिल कर लिया इंग्लैंड की टीम दूसरी बार टी ट्वेंटी चैंपियन बनी है यह नहीं किताब तो झोली में आया है बल्कि मोटी रकम भी उन्हें हिस्से आई है टी ट्वेंटी विश्व कप विजेता टीम इंग्लैंड को इनाम के तौर पर 1.6 मिलियन डॉलर दिए गए भारतीय रुपए के हिसाब से देखें तो ये रकम करीब 12 करोड़ 28 लाख रुपए होती है 19 और 20 नवंबर तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल एक्वाटिक कॉम्प्लेक्सन को में होंगे खेलो इंडिया जूनियर वेमेन्स स्विमिंग सीरीज 2022 केरल में होंगे 2022 का जोन तीन राउंड दो खेलो इंडिया जूनियर वीमेन्स स्विमिंग सीरीज अंडर 15 और अंडर 18 की तारीखों इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे 19 और 20 नवंबर तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल एक्वाटिक कॉम्प्लेक्स पिरापन कोट त्रिवेंड्रम में होंगे खेलो इंडिया जूनियर विमेन स्विमिंग सीरीज 2022 और भी ताजा खेल खबरों के साथ मिलते हैं अगली बार तब तक के लिए अलविदा